मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे एमपी के छात्रों से फोन पर बात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री ने रोहित पांचाल, रवि सराठे और विवेक शर्मा से बात की और उनसे अन्य छात्रों का हालचाल भी जाना। बातचीत में छात्रों ने सीएम डॉक्टर यादव को बताया कि सभी छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं और फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, महेंद्र कहाँ? महेंद्र, हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी, जी सर। और कोई तो नहीं यहाँ पे उज्जैन वाला या आसपास वाला? सर, मैं मैनपुर सिटी के पास लाखाखेड़ी नागपुर से हूँ सर। अच्छा, लाखाखेड़ी वाला? तो जी सर, क्या स्थिति है? ठीक है सर, स्थिति तो अभी लगातार संपर्क में रहने के बाद ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा के ही माँ से बुलवाया जाए, अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से इसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है, इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पर सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सरकार भी 24 घंटे संपर्क में, किसी को कोई कष्ट नहीं है ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले में सीबीआई की टीम ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बताया गया है कि सीबीआई के ही 3 ऑफिसर बिचौलियों के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेजेस को क्लीन चिट दे रहे थे, जिसके बदले में उन्हें मोटी रकम रिश्वत के तौर पर मिली थी। सोमवार को सीबीआई ने 2 बड़े अधिकारियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों ने पूछताछ में चौंका देने वाले कई खुलासे किए हैं। एमपी के अधिकतर नर्सिंग कॉलेजेस सिर्फ कागजों में ही संचालित हैं, उनकी जगह स्कूल चलाए जा रहे हैं। कागजों में एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस है, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो मौके पर स्कूल चलाया जा रहा था। एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज को पैसे लेकर सीबीआई की जांच में सूटेबल लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं इस घोटाले में बीजेपी पार्षद सूर्यकांत गुप्ता का नाम सामने आया है, जो स्कूल और नर्सिंग कॉलेज चलाया करते हैं। भोपाल में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। 23 मई को नर्सिंग घोटाले में बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। बीजेपी के बड़े नेता नर्सिंग घोटाले में शामिल हैं। रिश्वत लेकर कॉलेजेस को एनओसी दी जा रही है। मेरे मित्र मुकेश नायक जी 23 तारीख को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तथ्यों के साथ विद प्रूफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नर्सिंग घोटाले का बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पीएससी घोटाला, पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ये हालत है कि सीबीआई के अधिकारी जिनको जांच की ड्यूटी दी है, रिश्वत लेके जो कॉलेज का अस्तित्व नहीं उसकी एनओसी दे रहेगी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने के लिए इंदौर पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी, लेकिन बम घर से फरार मिले। 17 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर धारा 307 का इजाफा हुआ। इसके बाद उन्हें 10 मई को जिला कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बम अदालत नहीं पहुंचे। कोर्ट ने बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बम के घर के अलावा कई और जगह पर तलाश की जा रही है। जल्द ही कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, अक्षय कांतिलाल बम, जिसके विरुद्ध में अप्रैल के दिनांक में न्यायालय के द्वारा 307 का धारा इजाफा किया गया था, जिसके पश्चात में 10 मई की पेशी उनकी लगाई गई थी, जिसमें 10 मई को उनके वकील के द्वारा एक हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात में उनके विरुद्ध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जो कि खजराना थाने को प्राप्त हुआ है।